नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी चीजें जो अगर औरतें करती हैं या फिर महिलाएं करती हैं तो उसकी वजह से उनको उठाने पड़ सकते हैं नुकसान। आज जानते हैं कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए महिलाओं को रात के समय या फिर शाम के समय। हमने अक्सर देखा है कि महिलाएं कुछ ऐसे कार्य करती हैं जिसकी वजह से घर में हमेशा धन की हानि होने लगती है या फिर कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है या फिर ऐसी समस्या घर में हमेशा लड़ाई झगड़े या फिर हमेशा घर में कलह कलेश रहती है। तो यदि आप ये कार्य करती हैं तो आपके घर में हमेशा ये हमेशा रहेगा ही। नंबर एक, हमने अक्सर देखा है कि महिलाएं भी आजकल लड़कों के बराबर या फिर मर्दों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चलने का मतलब ये नहीं है कि वह अपने घर में बिल्कुल भी काम नहीं करती। वह अपने घर को भी संभालती हैं और उसके साथ साथ अपने घर के ऑफिस को भी संभालती हैं और ऑफिस को संभालने वाली महिला हमेशा बिजी रहती है और यदि बिजी होने की वजह से वह कभी कभी ऐसे कार्य कर बैठती है जिसकी वजह से उसे नुकसान होना लगता है। हमने अक्सर देखा है कि महिलाएं बिजी होने की वजह से उन्हें अपने घर का या फिर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें वह कर नहीं पाती हैं और वह है उस कार्य को ना कर पाने की वजह से वह उस कार्य को शाम के समय करती हैं या फिर ऑफिस से आने के बाद करती हैं। जैसे अगर वह लेट आई हैं तो लेट आने के बाद वह घर पर खाना खाती हैं और थकान होने की वजह से वह झूठे बर्तन बिल्कुल रसोई में ही छोड़ देती हैं। वह उसे ना तो धोकर रखती हैं और ना ही पानी डालकर रखती हैं। ऐसा करने से उनके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास नहीं रहता और उनकी धन में हमेशा हानि होती रहती है। तो इसलिए महिला को रात में झूठे बर्तन रखने नहीं चाहिए क्योंकि लक्ष्मी का वास नहीं होता। नंबर दो, सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी के घर से कोई भी सामान नहीं लेकर आना चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि महिलाएं घर में कोई सामान ना होने पर या फिर उन्हें कोई इच्छा करती है कुछ चीज खाने के लिए तो वह अपने पड़ोसी के घर जाकर कोई ना कोई चीज मांग कर ले आती हैं, जिसकी वजह से ऐसा करने से हमेशा घर में कष्ट बना रहता है और आगे भी जिंदगी में कष्टों का सामना करना पड़ता है। आप नहीं चाहती होंगी कि कभी भी किसी भी कष्ट का सामना आपको करना पड़े, तो इसलिए आप शाम के समय या सूर्यास्त के समय आपको कोई भी सामान नहीं लाना चाहिए। नंबर तीन, आप झाड़ू को हमेशा अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें और उसे छुपा कर रखें। रात के समय ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य बना रहता है। नंबर चार, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में रहें तो महिलाओं को बिल्कुल भी रात को सोने से पहले बाल नहीं धोने चाहिए। हमने अक्सर देखा है कि महिलाएं ज्यादातर बिजी होने की वजह से रात को सर्द होती हैं या फिर नहाती हैं तो सर धो गीला हो जाता है, तो वह रात को बिल्कुल भी बालों को गीला ना करें। ऐसा करने से घर में हमेशा दरिद्रता बनती है और साथ के साथ उनके जीवन में हमेशा कष्ट रहता है। नंबर पाँच, यदि आप रात के समय सोने जा रही हैं तो सोने से पहले अपने घर के हर कमरे में नमक या तो सेंधा नमक डाल दें या फिर काला नमक घर में कांच की कटोरी में उसे भरकर किसी भी कोने में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक चीजें बिल्कुल दूर हो जाएंगी और घर में हमेशा सकारात्मक प्रभाव बना रहेगा। तो ये है वह कार्य यदि आप करती हैं तो उसकी वजह से आपके घर में हमेशा कोई ना कोई परेशानी रहती है, तो उसके उपाय भी हैं। यदि आप करती हैं तो हमेशा धन धान्य और माता लक्ष्मी के आप पर कृपा बरसती रहती है। तो आप इन कार्य को अवश्य करें और अवश्य करने के बाद आपको जो खुशी मिलेगी उस कार्य को करने के बाद आपके जीवन में हमेशा कष्ट दूर रहेंगे। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाजत देती हूँ।